धनवाद्य यंत्र कल अपन ने सुशीर और तत् किए थे। सुशीर और तत् घनवाद्य यंत्र से प्रश्न बहुत ही कम चांस से पूछे। एक वाद्य यंत्र है जो पूछ सकते हैं वो है घोरिया। बस करेंगे अपन, देख लेंगे कि कौन कौन से वाद्य यंत्र ये पूछ सकते हैं। ये कठोरी जाति का वाद्य यंत्र है। ये लिखो, सबसे पहले ये लिखो, घोरिया वाद्य यंत्र। और एक टापरा, दोनों कठोड़ी जाति के वाद्य यंत्र हैं। कठोड़ी जनजातियां हैं जो बजाती हैं इसको। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। केवल कल किया था ना अपने एक दो वाद्य यंत्र कठोड़ी के, भूल गए? हाँ पावरी और तार पी, कैसे वाद्य यंत्र थे दोनों? सुशीर वाद्य यंत्र थे। किसके हैं ये? किसके हैं? भथोड़ी के। ये किसके हैं? भथोड़ी के। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है दोनों। घनवाद्य यंत्र की विशेषता क्या होती है? या तो ये लकड़ी के बने होते हैं या किसी धातु के बने होते हैं। लकड़ी के होंगे या धातु के होंगे। जैसे ये देखो, ये दोनों किसके बने हैं? बांस के, लकड़ी के बने हैं। अब देखो मंजीरा, पता है मंजीरा तो? नहीं, जिंजे बजनौर में गाते हैं ना, छोटे छोटे, बड़े बड़े भी होते हैं, दोनों मंदिरों में बजते हैं। वो थाली होती है, वो तो झालर में आ जाता है। तो मंदिरों में थाली बजाते हैं ना, कांसे की थाली, वो झालर की श्रेणी में आता है। तो थाली वो, लेकिन वो झालर है। अब सुविधा नहीं है, वरना झालर होती है। स्टैंड होता है एक, और स्टैंड के ऊपर पीतल की कांसे की एक वो थाली लगी होती है, प्लेट, उसको छन ऐसे ऐसे वो होता है। वो झालर की श्रेणी में आएगा, वो भी ऐसा यही गणवाद्य यंत्र है। तो लिखो, देखो मंजीरा, तेरह ताली नृत्य के दौरान बजाया जाता है। तेरह ताली नृत्य के दौरान बजाया जाता है। धातु का बना होता है, पीतल का, धातु पीतल का बना होता है। स्टील के भी मिल जाएंगे, लेकिन अच्छी जो झनकार वाली आवाज निकले है ना, तो पीतल कांसे में ही निकलेगी। स्टील के मिल जाएंगे बाजार में, लेकिन वो आवाज झंझनाट नहीं आएगी उसमें। ये थोड़ा ध्यान रखना। तेरे ताली नृत्य कौन करती है? हाँ, रामदेव जी के मेले के अवसर पर जो कांवड़ महिलाएं हैं, कांवड़ जाति की महिलाएं करती है, पुरुष नहीं, महिलाएं करती है। तब ये 13 मंजीरे शरीर के विभिन्न भागों में, हाथों में, पैरों में बांध करके, दोनों हाथों में होते हैं, यहां बंधे होते हैं, यहां बंधे होते हैं, पैरों में बंधे। इनकी संख्या कितनी होती है? 13। इसलिए इसको क्या कहते हैं? 13 ताली नृत्य कहते हैं।
खड़ताल। हड़ताल, एक हड़ताल होता है और एक करताल होता है, दोनों अलग अलग है। क्या अंतर है दोनों में? हाँ, वो करताल होती है। हड़ताल में ध्यान दिया होगा, एक लकड़ी की पट्टी होती है, बीच में पीतल की छोटी छोटी रिंग लगी होती है, दस्तरियां लगी होती है, ऐसे ऐसे बजाते हैं, लंबा होता है, आपस में टकरा कर भी बजा देते हैं। और ये होता है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ये जो होता है ना, ये लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की तो दोनों ही होती है, लकड़ी की दोनों होती है, इसके इसके बीच में है जो इस प्रकार की होती है, यूं लकड़ी के और बीच में, बीच बीच में डिवाइडर होता है, यहाँ यहाँ पट्टियां, मतलब वो एक लकड़ी लेते हैं सीधी और बीच में यूं खांचे होते हैं, और खांचों में क्या होते हैं, वो गोल जींजे टाइप के छोटे 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 लगे होते हैं, दो 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 छन छन की आवाज आती है। और ये खड़ताल में क्या होगा, लकड़ी की पट्टियां होती हैं दो, कठोर लकड़ी की, बबूल की लकड़ी की, जो देसी बावड़े आता है ना उसकी लकड़ी, जो कठोर होती है बहुत, छोटी छोटी पट्टियां होती है दो, ये एक हाथ में यहाँ लगाते हैं और एक यहाँ, कट 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 किया, ये दोनों बस इतना ही ध्यान रखना है, दोनों गणवाद्य यंत्र हैं। इसका जो है कलाकार है वो सदीक खां है, हड़ताल का मांगणियार है सदीक खां। सदीक खां रमजोल क्या होती है, कमर बांधो, हाँ वो घुंगरू होते हैं ना, घुंगरू होते हैं ना, हाँ बड़े घुंगरू होते हैं और चौड़ी पट्टी के ऊपर बांध जाते हैं, पैरों में बांध जाते हैं, मुख्य रूप से पैरों में बांधते, चौड़ी पाजेब नहीं होती क्या, जिसको जोड़ बोलते हैं, हाँ वो रमजोल है। क्या चढ़ती है बाजे, घुंघरा, रमजोल, हाँ वो कमर बांध देते हैं, वैसे तो वो तो अगर कमर का देखे ना तो वो तो तागड़ी हो गई, करगनी हो गई, एक तो कंदोरा टाइप का बांधते हैं जिसमें बहुत सारे बड़े 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 घुंघरू लगे होते हैं, जबकि रमजोल होती है, रमजोल पैर में पहनी जाने वाली चौड़ी पाजेब को कहते हैं, जिसको मारवाड़ी भाषा में जोड़ कहते हैं, वो होती है रमजोल, जिसे बहुत सारे घुंघरू बने होते लगे होते हैं। भूलभुलैया फिल्म नहीं देखी क्या, हाँ उसमें वो कौन है, वो एक, हाँ वो रात को बक्सा खोल के नाचती है ना, वो रमजोल तो है, पैरों में बांध कर, यानी ये चौड़ी होती है, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, घुंघरू लगे होते हैं, जो नृत्य वगैरह करते हैं ना, कथक नृत्य हो गया, देखो इसको शास्त्रीय नृत्य करते समय भी बजाया जाता है, भोपे भी बजाते हैं इसको शास्त्रीय नृत्य करते समय, शास्त्रीय नृत्य के दौरान, शास्त्रीय नृत्य करने के दौरान भी बजाया जाता है। ऐसे पूछने वाले नहीं है, पूछने वाले केवल
ये वाले, ये दो ध्यान रखना है, गोरिया और कापरा। झांकड़ देखी होगी, भोपे और हो जाते हैं, झांकड़ वगैरह होते हैं ना, झांकड़ मतलब चैन होती है, मोटी झांकड़ गाय पशुओं को बांधने वाली होती है ना, वैसी होती है। ये भी कैसा गणवाद्य यंत्र है, बजाते हैं, बजाने का तरीका होता है उसका, चिमटा, चिमटा नहीं होता है? नहीं देखा कभी? बड़ा सा होता है, खड़ा कर दिया जाता है, एक साइड में नुकीला होता है, जमीन में रोप दिया जाता है इसको, फिर इसको यूँ टक ऐसे 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 खड़े कर रोप दिया जाता है जमीन के अंदर, देखा है? तो इनके नाम लिख लो, काकड़, घुरालिया, चिमटा, थाली, थाली भी बजती है, झरनी, ये थोड़ा ध्यान रखना, झरनी घनवाद्य यंत्र है, झरनी है वो घनवाद्य यंत्र, कैटेगरी ध्यान रखना। बाकी देखो आपको सांकल पता है, याद करने की जरूरत नहीं है, चिमटा पता है, थाली पता है, ये इसका ध्यान रखना, पूछ ले कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, और तीन तत्व दे दे और एक घुरालिया दे दे, बांस का बनता है ये भी, और या झरनी दे दे, झरनी करताल जैसा वाद्य यंत्र होता है, तो इसमें ये थोड़ा नाम ध्यान रख लेना, बाकी कैसे बजते हैं क्या बजते हैं ये नहीं पूछते हैं इसमें, एक ये नाम, और घोरिया और तापरा, पावरी और तारपी, पावरी और तारपी कथोड़ी के हैं, गोरिया और तापरा ये भी कथोड़ी के, ये घनवाद्य यंत्र हैं, वो सुशील वाद्य यंत्र। अवनद्य वाद्य यंत्र, अवनद्य वाद्य यंत्र, जो अवनद्य वाद्य यंत्र होंगे ये पीटने से बचते हैं, थाप से बचते हैं, डंडे से बचते हैं, हाँ सारे जितने भी है, देखो ढोल, ढोलक, नगाड़ा, नौबत, दमामा, चंग, डपली, मृदंग, डेरू, तासा, एक जैसे ही है, बताऊंगा क्या है, खंजरी, कमर, खंजरी, नाम ध्यान रखना केवल, और ज्यादा कुछ नहीं है, डमरू इसमें नहीं आएगा, वाद्य यंत्र नहीं आएगा, धार्मिक वाद्य यंत्र,
वो आएगा इसमें, वो आएगा इसमें। ये ना ये डेरू है, आधा डमरू जैसा होता है ये। ज्ञान हो तो कणी माता के जागरण और में एक आदमी यहाँ बांध करके बजाता है रख करके, वो डेरू है। और ये जो डमरू है, जो बड़े डमरू यूं यूं यूं, वो जैसे भैरू जी के मंदिर में बजते हैं, भैरू जी के मंदिर आरती के समय बजाया जाता है, तो वो वहीं बजेगा और कहीं नहीं। अब देखो ढोल पता है आपको? नहीं पता? कौन सा ढोल? जो डोली बजाता है, पंजाबी ढोल नहीं, मारवाड़ी ढोल। कैसा? मारवाड़ी ढोल, जिसको डोली बजाता है वो ढोल बड़ा होता है, इतना चौड़ा और इतना बड़ा घेरा होता है। ढोलक पता है आपको? नगाड़ा पता है? बड़े नगाड़े को नौबत या दमामा कहते हैं, बड़े नगाड़े। आप वहां जाओ शिला माता के मंदिर में आमेर, बड़े बड़े नगाड़े मिलेंगे। चंग पता ही है, दमामा डफली छोटी सी होती है ना, ट्रेन और में यात्रा नहीं की कभी, आते हैं ना गाने वाले छोटी सी, हाँ छोटी डफली, साथ में वो ऊपर लगे होते हैं छोटी छोटी तस्तरी पीतल की, झालर टाइप से। मृदंग ये ढोलक जैसा वाद्य यंत्र है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ढोलक के दोनों साइड होते हैं, वो घेरे बराबर होते हैं, इसमें बराबर नहीं होता है, एक घेरा छोटा होता है एक घेरा बड़ा होता है। क्लासिकल भी है ये, मिट्टी का बना होता है वैसे तो, ये परंपरागत रूप से मिट्टी का है। ठीक है, अब लकड़ी के बनाते हैं, मशीनें वगैरह आ गई हैं, तो बाकी ये मिट्टी का बनता था। और ये यूं इस प्रकार होता है, यूं एक हिस्सा बड़ा होता है और एक हिस्सा छोटा होता है। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वहां बजते हैं मृदंग वाले। डेरू ये आधे डमरू जैसा होता है, इसको लिखो देखो, डेरू आधे डमरू जैसा वाद्य यंत्र आधे डमरू जैसा वाद्य यंत्र भैरव जी माता जी के भोपे बजाते हैं। भैरू जी माता जी के भोपे बजाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे। डबरू होता है ना, ये इस प्रकार का होता है, ये यहाँ थोड़ा सा चौड़ा होता है, कभी कभी सीधा ही बना लेते हैं इसको, थोड़ी ढोलक जैसा बना देते हैं यूँ, ऐसे ऐसे। ये जो तासा है और ये कमर एक जैसे वाद्य यंत्र है। तासे तो देखे ही होंगे, चपटी, हल्की चपटी, मतलब पूरी चपटी नहीं, इस प्रकार के लेते हैं, इस प्रकार की, जिसके ऊपर क्या चढ़ा देते हैं, चमड़ा चढ़ा देते हैं इसके ऊपर चमड़ा। ये ताजिया वगैरह होते हैं ना, तब बजाया जाता है।
तासा कमर एक जैसे वाद्य यंत्र है, दोनों लिख लो, तासा और कमर। लोहे की चद्दर पर चमड़ा चढ़ाकर बजाया जाता है। लोहे की चद्दर पर चमड़ा चढ़ाकर बजाया जाता है, बनाया जाता है। तासा और हाँ, लोहे की चद्दर पर परात जैसा, मतलब हल्की गहरी होगी थोड़ी है। खंजरी छोटा डेरू जैसा वाद्य यंत्र है, खंजरी। ये मतलब डेरू थोड़ा चौड़ा होता है, मतलब एक तरह से इसको ये सब कहें कि डफली होती है ना, डफली में क्या होता है कि थोड़ी बड़ी होती है और यहाँ वाला जो घेरा होता है ना वो कम होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, चौड़ी होती है यानी। और डेरू में क्या होगा, डेरू में पूरा का पूरा पैक होगा चारों तरफ, ये चारों तरफ पैक नहीं होती है यानी दब से थोड़ा सा भारी होता है, होता छोटा ही है, होता छोटा ही है, ऐसे ही बजाया जाता है, ऐसे जैसे डेरू बजाते हैं, जैसे माता जी के भोपे एक देखा होगा, वो डेरू ही है एक्चुअली, बस बनाने का तरीका अलग अलग है। कोई ढोलक जैसा बना देते हैं ताकि दोनों साइड में बजा दो, कोई एक साइड से बजाते हैं, एक साइड से बजाएंगे एक साइड में थोड़ा नुकीला होगा वो, ताकि हाँ आराम से सेट हो जाए। हाँ, और कभी कभी क्या करते हैं कि वो इसका बड़ा डमरू जैसा ही बना देते हैं, तो उसको पूरा यूँ सेट करके बजाते हैं। भाई माता जी के जागरण में नहीं गए इसमें, तो ये बजाया जाता है, बैठे बैठे नहीं बजाते हैं इसको, खड़े होके बजाते, यूँ नहीं बैठ के बजा रहे, खड़े खड़े बजता है। कौन, ये डेरू की बात करता, ठीक वैसे ही डपली है, ठीक वैसे ही ये खंजरी है, तो लिख लो खंजरी, डप या डेरू जैसा वाद्य यंत्र। डप या डेरू जैसा वाद्य यंत्र, डप या डेरू जैसा वाद्य यंत्र। मिट्टी का बना होता है जिस पर चमड़ा चढ़ा होता है, बजाया जाता है। सिरोही क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा बजाया जाता है। मिट्टी पर, मिट्टी का बना होता है और चमड़ा चढ़ाकर बजाया जाता है। चमड़ा चढ़ाकर ध्यान रहे थोड़ा इसका, क्योंकि एरिया दे दिया है इसका। वैसे ये भी, ये जो है ना, ये कमर, ये अलवर भरतपुर क्षेत्र में बजाया जाता है। कौन सा, कमर,
दमामा, दमामा को शामक भी कहते हैं, नोट करके लिख लेना। दमामा को शामक भी कहते हैं। नगाड़ा, नगाड़ा को कह दो चाहे टामक, बड़ा नगाड़ा है उसको भी टामक बोलते हो, नगाड़ा है ना, ये सारे तीनों नगाड़े तो हैं, ये तीनों नगाड़े ही हैं। दमामा नगाड़ा को टामक भी कहते हैं, दमामा और नगाड़ा को टामक भी कहते हैं। नगाड़ा नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, बजाना नहीं बनाना। हाँ लिख लो, नोट करके लिख लो, नगाड़ा नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। नगाड़ा नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। देखो किस किस वाद्य यंत्र का ध्यान रखना है, गोरिया कैसा वाद्य यंत्र है, कैसा वाद्य यंत्र है, तबला वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना है। कथोड़ी कथोड़ जनजाति उदयपुर में रहती है, कथा बनाती है, मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है, राजस्थान में भी रहती है। इसके अलावा घन वाद्य यंत्र में करताल, तबला हड़ताल, गुरालिया, गुरालिया घनवाद्य यंत्र है ना, ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं ये सारे घनवाद्य यंत्र। अवनद्य वाद्य यंत्र, अवनद्य में किसका किसका ध्यान रखना है, देखो एक तो डेरू का ध्यान रखना है, ये जो है ना कौन से माता जी हैं, जीण माता के मंदिर में डेरू बजाया जाता है पूजा के समय, जीण माता के मंदिर। डेरू ध्यान रखना है। और देखो पंजरी, नाम ध्यान रखना है बस, कमर, और थोड़ी जाति का है क्या कोई अवनद्य में, है कहाँ है, कोई नहीं बुद्ध। हाँ इसके अलावा दमामा का ध्यान रखना, दमामा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं जितना इसका जो उपनाम है ना टामक, या इसको नगाड़ा भी कह सकते हो, नौबत भी कह सकते हो।
और देखो कौन सा है अवनद्य में, कुंडी, ये ध्यान। आदिवासी तासा और आपको पता है तासा कमर एक जैसे वाद्य यंत्र है। और नगाड़ा कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। ये जो रमजोल थी ना, कहाँ गई रमजोल? ये जो रमजोल है ना, मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है, गोडवाड़ में। नोट करके लिख लेना, रमजोल गोडवाड़ मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। मृदंग है ना, देखो इस ढोलक मृदंग और मादल तीनों लगभग एक जैसे वाद्य यंत्र है। मादल ये भी गण वाद्य यंत्र है, गण नहीं अवनद्य वाद्य यंत्र है। ये तीनों अवनद्य तो है, आदिवासियों का वाद्य यंत्र है। ये मिट्टी का बना होता है और उसके ऊपर ये भी तो है, ये भी है मादल, ढोलक जैसा ही होता है। मादल नृत्य किसका है? मादल किसका लोक नृत्य है? ग्रासियों का। मादल ग्रासियों का लोक नृत्य है और ये वाद्य यंत्र है, और ये आदिवासियों के वाद्य यंत्र है। ये आदिवासी ही बजाते हैं इसको, मिट्टी का बना होता है, चमड़ा चढ़ाकर बजाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, मादल का, मृदंग का ध्यान रखना है। ये वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्रों का जो जो पुराने वाद्य यंत्र हैं उनका एक म्यूजियम है उदयपुर में, एक म्यूजियम जोधपुर में है। नोट करके लिखो, देखो परंपरागत वाद्य यंत्रों की वाद्य यंत्रों के दो म्यूजियम हैं, संग्रहालय, परंपरागत वाद्य यंत्रों के दो म्यूजियम हैं, एक उदयपुर में है एक जोधपुर में, उदयपुर और जोधपुर में।
उदयपुर वाला, सॉरी ये जोधपुर वाला है, उसकी स्थापना में विजयदान देथा का योगदान है। देखो जोधपुर के म्यूजियम की स्थापना में विजयदान देथा का योगदान है, जो एक विजयदान देथा का योगदान है, जो एक साहित्यकार भी थे।